तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी टॉपिक है, ये भी टीचर्स के लिए ही है, खुसूसन उन टीचर्स के लिए जो कि इस प्रोफेशन में नए नए इन हुए हैं, या उन हजरात के लिए कि जो एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रहे हैं, या जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं या एमएड के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज का जो हमारा सेशन है, ये ऑडियो विजुअल्स पे है, जिन्हें हम टीचिंग टूल्स भी कहते हैं या टीचिंग मटेरियल भी हम कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो जो एवीएड्स हैं, जिन्हें इंस्ट्रक्शन मटेरियल कहा जाता है, इन्हें टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी कहा जाता है। तो ये कोई भी कलेक्शन होती है मटेरियल्स की। आप इसमें कोई एनिमेशन, कोई कार्टून वगैरह, या कोई खास किस्म की ड्राइंग जो है वो भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आप मिसाल के तौर पे फ्लैश कार्ड्स यूज करते हैं, आप डायग्राम्स यूज करते हैं, आप चार्ट्स यूज कर रहे हैं, आप कोई स्क्रीन यूज कर रहे हैं, आप कोई टेप रिकॉर्डर यूज करते हैं, आप कोई कंप्यूटर जो है वो, या कोई टेलीविजन, कोई स्क्रीन वगैरह जो भी है। तो मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं जिन्हें हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स कह रहे होते हैं, जो आप डेवलप करते हैं ताकि आप जो अपने पढ़ाने का अमल है उसे ज़्यादा जो है वो दिलचस्प बनाएं, और बच्चों के लिए वो अटेंशन सीकिंग भी हो, और बच्चे जो है वो एक चीज़ के बारे में सुने तो साथ में उसे देखें भी, उसे ऑब्जर्व भी करें, उसे एग्जामिन भी करें, और इवन एक्सपीरियंस भी करें समटाइम्स। तो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो टीचिंग टूल्स जो है, या जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। मसलन हमारे पास कुछ चीज़ें जो है वो प्राइमरी होती हैं, मसलन ब्लैक और वाइट बोर्ड, इसी तरह से मार्कर, इसी तरह से बुक, ये तो हमें अमूमन अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जब आप लेसन प्लान करते हैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, तो फिर आप उसके रिगार्डिंग कोई सप्लीमेंट्री या कोई सेकेंडरी जो टूल्स डेवलप करते हैं, तो उनको हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहते हैं। मसलन आपने बच्चों को कोई मूवी दिखानी है, कोई कोई वीडियो क्लिप आपने दिखानी है, कोई स्पेसिफिक आपने उन्हें जो है वो लिसनिंग करानी है, या आपने उन्हें कोई डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन करना है, इसी तरह से कोई मैप है वो आपने एक्सप्लेन करना है, या आपने फ्लैश कार्ड्स पे कोई सर्टेन वर्ड्स लिखे हुए हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपने उनको दिखाने हैं और फिर आपने उनसे पूछना है। तो इस तरह की जो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, इनको हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स कहते हैं, या इन्हें हम एवीएड्स कहते हैं, या हम इन्हें टीचिंग टूल्स कहते हैं। तो आप बेसिकली स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं बाय डेवलपिंग योर इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, सो देट दे कैन लर्न स्मूथली, प्रॉपरली, स्पेसिफिकली, और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेट ऑब्जेक्टिव्स, वो भी आप अचीव कर सकें आसानी से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो मुख्तलिफ जो हैं वो जो ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हैं, तो इनकी ये पांच जो हैं वो बुनियादी फॉर्म हैं। सबसे पहले है इसमें प्रिंट। तो प्रिंट में टेक्स्ट बुक्स होते हैं, पम्फलेट्स होते हैं, हैंडआउट्स होते हैं, स्टडी गाइड्स होती हैं, या मैनुअल्स होते हैं। इसके अलावा मल्टीपल चीज़ें आती हैं, वो सब जो है इनमें जो है प्रिंट प्रिंट के उसमें आ जाते हैं, यानी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जिनको हम कहते हैं। इसी तरह से ऑडियो, आप टेप रिकॉर्डर यूज करते हैं, आप कोई माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, आप कोई रेडियो यूज कर रहे हैं, एम्पलीफायर यूज करते हैं, तो इन सबको हम ऑडियो जो है विजुअल्स कहते हैं। और इसी तरह से विजुअल्स जो हैं, इनमें चार्ट्स या रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, इसी तरह से डायग्राम्स हैं, इसी तरह से मैप्स हैं। तो मल्टीपल चीज़ें आती हैं जिन्हें हम विजुअल्स कहते हैं, क्योंकि बच्चे उन्हें देखते हैं। सो वी विजुअलाइज एंड देन एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स, ताकि वो सुने भी और साथ में उस चीज़ को देखें भी। इसी तरह से ऑडियो विजुअल्स होते हैं। ऑडियो विजुअल्स में आप स्लाइड्स डेवलप करते हैं, मिसाल के तौर पे आप पावर पॉइंट स्लाइड्स जो हैं, पीपीटी हम जिन्हें कहते हैं, जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने भी डेवलप की हुई है। इसी तरह से टेप्स होती हैं, कोई फिल्म होती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, टेलीविजन है, इसी तरह से कोई वीडियो है, कोई मल्टीमीडिया है, तो इन्हें जो है वो हम ऑडियो विजुअल्स कहते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्टिव में कंप्यूटर्स, इसी तरह से ग्राफिंग, कैलकुलेटर्स, टेबलेट्स, या इवन कहीं पे मोबाइल फोन, सेल फोन, जो स्मार्टफोन्स हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं, तो वो भी कोई इशू नहीं है।
बहरहाल इन्हें इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्टिव मटीरियल कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल्स हैं जो टीचर्स यूज़ करते हैं, और ये जितने फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप इफेक्टिवली स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे, उन्हें समझा पाएंगे। या एक अच्छे टीचर की ये निशानी होती है कि वो अपने लेसन के अकॉर्डिंगली अच्छे से प्लान करता है ताकि बच्चे जो हैं आपकी लर्निंग से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें, या जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसे आप इजीली अचीव कर सकें। अब हम इनको देखते हैं कुछ बुनियादी जो हैं, मिसाल के तौर पे वाइट बोर्ड्स हैं, तो ये तो एक प्राइमरी किस्म का जो है वो मटेरियल है जो इस्तेमाल करते हैं हम क्लासरूम्स के अंदर। और कहा जाता है कि ये 1950s में डेवलप हुआ, ब्लैक बोर्ड्स एंड वाइट बोर्ड्स, फिर ये कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद फिर ये मार्कर्स आए। तो एक तो ये है कि ये मैनुअल जो लगा होता है यानी क्लासरूम के अंदर लगा होता है, लेकिन अब दौरे जदीद में ये है कि मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सॉफ्टवेयर्स हैं कंप्यूटर्स पे, यहाँ पे ये वाइट बोर्ड आ जाता है जिसे हम वर्चुअल वाइट बोर्ड कहते हैं, और हम इनको भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं खुसूसन जब आप कोई वर्चुअल क्लास ले रहे हैं। मसलन ये अभी करंट सिचुएशन जो है COVID-19 जो है पेंडेमिक सिचुएशन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक किस्म का लॉकडाउन है, तो जो जो फिजिकल अपीयरेंस होती है इनसाइड स्कूल्स कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज वो तो नहीं हो रही, तो ऑनलाइन क्लासेस में ये आप इस तरह के जो है वो वर्चुअल बोर्ड्स वाइट बोर्ड्स यूज करते हैं। तो ये इसी तरह से आप उन पे लिख सकते हैं, आप वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कलर्स यूज कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। हालांकि मैनुअल में तो आपके पास अमूमन 2 से 3 मार्कर्स ही होते हैं मैक्सिममली, लेकिन वर्चुअल पे तो आपको मल्टीपल कलर्स होते हैं, एज मेनी कलर्स एज यू वांट टू यूज यू कैन यूज। तो ये सारी चीजें होती हैं। बहरहाल वाइट बोर्ड्स जो हैं उनकी अभी भी उतनी अहमियत है इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स में जितनी आज से पहले थी, बल्कि अब तो हमें इसके जो है वो और ज्यादा जो है वो तरीके हैं थ्रू कंप्यूटर हम इसे यूज करते हैं। तो इसी तरह से ये ऑफिसेज में यूज किया जाता है, बिजनेसेस में यूज किया जाता है, ऑफिशियल मीटिंग्स में यूज किया जाता है, या किसी किस्म की प्लानिंग के लिए भी इसे यूज किया जाता है अदर देन टीचिंग जो हम स्कूल्स में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में कर रहे होते हैं। तो इसकी अभी भी उतनी अहमियत है। इसके बाद है वर्चुअल क्लासरूम। तो वर्चुअल क्लासरूम भी ये ऑनलाइन क्लासरूम जिन्हें कहा जाता है कि आप किसी खास सर्वर या किसी कंप्यूटर के थ्रू या आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू या अपने लैपटॉप या टेबलेट के थ्रू जो है वो कनेक्ट होते हैं, आपको एक्सेस दी जाती है, और वो एक किस्म का जो है वो वर्चुअल क्लासरूम होता है। डिफरेंट इसमें जो है वो सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप ऑनलाइन जाके तो वहाँ पे एक खास किस्म की जो है वो आपको आईडी दी जाती है, साथ में पासवर्ड्स भी होता है रिक्वायर्ड, या उसकी लिंक शेयर की जाती है, और आप इजली जो है ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं विदाउट कि आप उस जगह पे जाएं और फिर आप क्लासरूम में जाएं, वहाँ पे आप बैठें और फिर आप पढ़ें। तो ये एक वर्चुअल क्लासरूम का जो जो कॉन्सेप्ट है ये तो अभी डेवलप हो रहा है स्पेशली इन मॉडर्न वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। और ये भी एक कहा जाता है कि आने वाले वक्त में ये जो वर्चुअल क्लासरूम है या शायद इसकी कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और एक अंदाज़ा है, लोग ये समझते हैं मे बी कि वो सही हैं या गलत हैं, कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ 2050 दुनिया में शायद ये जो वर्चुअल लर्निंग है वो आम हो जाएगी। ये जो स्कूल्स हैं जो कॉलेजेस हैं मोस्टली कि ये शायद कम हो जाएंगे अगर ख़त्म नहीं होंगे तो, और मोस्टली लोग जो हैं वो वर्चुअल जो है वो लर्निंग के थ्रू जो है वो चीज़ें पढ़ेंगे और सीखेंगे, मुख्तलिफ कोर्सेज इवन डिग्रीज जो है वो हासिल करेंगे। तो दुनिया में वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन वर्चुअल कॉलेजेस हैं, उनके कैंपसेस हैं, स्कूल्स हैं। अभी तो ये जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पेंडेमिक की जो सिचुएशन है कोरोना की वजह से, तो दुनिया में अब मोस्टली जितनी भी पढ़ाई हो रही है वो किस्म का वर्चुअल क्लासरूम ही है। तो वर्चुअल क्लासरूम में स्मार्ट टेलीविजन्स यूज़ किए जाते हैं, प्रोजेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, कंप्यूटर्स, सेलफोन्स और इसी तरह से टेबलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं ये यूज़ की जाती हैं। इसमें पेरेंट्स भी जो है वो देख सकते हैं, वो अपने बच्चों को जो है वहाँ पे मॉनिटर भी कर सकते हैं, और इसी तरह से जो आप इन अ वे कि आप कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी जो है स्टूडेंट्स की वो भी डेवलप कर रहे होते हैं, या आप उन्हें मल्टीपल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उन्हें प्रोवाइड करते हैं व्हिच इज़ अवेलेबल एट द फिंगर टिप्स। वो यानी वीडियोज़ देख सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं,
मल्टीपल चीजें देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज दे सकते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उन्हें एक्सेस देते हैं, इवन आप उनके जो है वो जो उनकी असाइनमेंट्स होती हैं, टेस्ट होती हैं, वो आप असिस कर सकते हैं, इवन यू कैन कंडक्ट एग्जामिनेशन थ्रू वर्चुअल क्लासरूम्स। तो हर वो चीज़ जो आप एनुअली करते हैं यू कैन डू थ्रू वर्चुअल क्लासरूम्स एज वेल। तो आने वाले वक्त में ये चीज़ और ज़्यादा जो है वो उसक पकड़ेगी, सो कीप इन माइंड। इसके बाद है फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS। ये सिस्टम जो है वर्चुअल क्लासरूम में, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें मल्टीपल जो है वो चीज़ें दी जाती हैं, एक किस्म का सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, फिर स्टूडेंट्स की एक्सेस की जाती है, ये एक किस्म की ट्रैकिंग होती है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, उनके जो उनको टास्क असाइन किए जाते हैं, फिर उनकी जो प्रोग्रेस है, उनके रिजल्ट्स हैं, वो सब चीज़ें इनमें अवेलेबल होती हैं। इसी तरह से कुछ खास किस्म की जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, जिस तरह नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर भी इस तरह की अनाउंसमेंट्स की जाती हैं, फिर असाइनमेंट्स आपको दी जाती हैं, फिर उनकी ग्रेडिंग की जाती है, कोर्स डिस्क्रिप्शन, उनकी एक्टिविटीज़, आपकी पार्टिसिपेशन, क्लासरूम डिस्कशन, यानी हर चीज़ इसमें की जाती है, आपकी टेस्ट ली जाती हैं आपसे, जो 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 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो, उस तरह के क्विज वगैरह जो हैं वो। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं वो LMS के थ्रू काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो ईजिली देख सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं, उन्हें सुपरवाइज कर सकते हैं, और ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग जो है सॉफ्टवेयर है, और ये रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि वो मैनेज करते हैं LMS के थ्रू। यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैं आपको इसको और भी ज़्यादा इजी कर लेता हूँ, ये आप देख लें ई लर्निंग क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोविजन सर्विस, फिर सिस्टम मैनेजमेंट होगा, फिर उसके बाद वेब पोर्टल जहाँ पे यूज़र्स आएंगे, डिफरेंट यूज़र्स जो हैं, फिर वेब सर्विस, उसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो प्रोविजन सर्विस में ई लर्निंग वेब सर्विसेज में, उसमें आप देख रहे हैं कि डिलीवरी, टीचर, स्कूल, एवेल्यूएट, यानी वहाँ पे आपके मुख्तलिफ किस्म की जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, जिस भी तरीके में, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, सेशंस मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी, आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इसी तरह से आपको बुक्स मिल जाएंगे जो रिलेटेड बुक्स होते हैं, तो जो भी चीज़ें हैं, और आपको मॉनिटर किया जाता है, चेक किया जाता है, ऑनलाइन आपकी अटेंडेंस होती है, तो इसी तरह से आपको सारी असाइनमेंट्स और एक्टिविटीज़ जो हैं वो दी हुई होती हैं। तो आपको यानी जब भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, यू जस्ट लॉग इन एंड यू फाइंड आउट कि आपको क्या करना है, कौन सी असाइनमेंट है, कौन सी एक्टिविटी है, फ्रॉम टाइम टेबल जो आपकी कोर्स डिस्क्रिप्शन होती है या जो आपकी सेमेस्टर डिस्क्रिप्शन होती है, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन फाइंड ईजली। तो ये LMS का सिस्टम दुनिया में यूनिवर्सिटीज लेवल पे तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, और जदीद दौर में हर किस्म की यूनिवर्सिटी जो है, आज इवन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर भी इस सिस्टम को जो है वो इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है। अलबत्ता आने वाले दिनों में ये एन मुमकिन है, बल्कि इसके ब्राइट चांसेस हैं कि ये जो LMS सिस्टम है, इन्हें कॉलेज लेवल पे और इवन स्कूल लेवल्स पे भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो कीप इन माइंड सो देट के जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं इसके हासिल किए जाएं, और इसमें जो एक किस्म की जो अटेंडेंस है, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स की एंड टीचर्स की, और उनके जो जो होमवर्क हैं, उनके जो असाइनमेंट्स हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो, या उसमें अकाउंटेबिलिटी, या जो उनमें प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है, वो लाया जाए। तो ये था हमारा आज का सेशन जो ऑडियो विजुअल्स के ऊपर था। मैंने आपको इसमें जो जनरल जो ऑडियो विजुअल्स हैं उनके बारे में तो बताया, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में, साथ में जो आने वाले दौर में जो हमारे पास जदीद किस्म के विजुअल्स होंगे उनके बारे में भी मैंने आपको बताया इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के लिए। तो आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर एंड होता है। बस मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जाते जाते एक हमेशा की तरह एक छोटी रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे जो है वो बेनिफिट लें, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ये आपकी जो है वो इन अ वे हमारे लिए एक हेल्प होगी, सपोर्ट होगी, हमें इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो टिल द नेक्स्ट सेशन, सी यू, हैव अ नाइस टाइम, इट्स गुड बाय।